हेलो तो गाइस, कैसे हो? ये हमारा चैप्टर टू इस मैटर अराउंड स्फीयर का पार्ट एट है। हमने पार्ट एट में पढ़ा था कि मतलब कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। हमने उसके डिफरेंट टाइप पढ़े थे कि उनको अलग कैसे किया जा सकता है, मिक्सचर को, मिसेसेबल लिक्विड को अलग कैसे किया जा सकता है आपस में। जैसे कि एग्जांपल था मिल्क को क्रीम में से अलग करना, और भी कई डिफरेंट टाइप के एग्जांपल, कैम्फर बोल को उसके अंदर से अलग करना, ये साल्ट के अंदर से कैम्फर को अलग करना, तो ऐसे कई एग्जांपल थे। तो आज हम पढ़ेंगे ये, देखिए, हाउ कैन वी ऑब्टेंट ऑब्टेंट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ये कह रहे कि हम एयर से कई प्रकार की गैसेस कैसे निकाल लेते हैं। जैसे एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो कह रहे हैं नाइट्रोजन अकेली एयर में से कैसे निकाल लेते हैं हम। ये कह रहे हैं कि एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। कह रहे कि एयर बहुत होमोजीनियस मिक्सचर है, कैन बी सेपरेटेड इंटू इट्स कॉम्पोनेंट बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कह रहे कि फिजिकल मेथड के द्वारा तो उसको सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, तो कह रहे कि उसको फिजिकल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट किया जाता है। द फ्लो डायग्राम शो द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। ये कह रहे कि डायग्राम ये आपको बता देगा कि कैसी स्टेप्स फॉलो होती है उसके अंदर। ये देखिए, एयर आती है, फिर उसको पहले कंप्रेस करते हैं, उसका टेम्परेचर घटाते हैं, फिर लिक्विड एयर बन जाती है वो, फिर कह रहे उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा कि ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड बन जाती है। और कह रहे कि आर्गोन क्या है, -186 पे ऐसी नाइट्रोजन ये अपने को सॉलिड फॉर्म में मिल जाती है। इससे हम जैसे कि नाइट्रोजन से हम यूरिया वगैरह बनाने में बहुत यूज़ करते हैं, और बहन मतलब कि ये मुख्तलिफ यूज़ मतलब की चीज़ों में यूज़ होता है। इफ़ यू वांट, हाँ जी, ये देखिए, इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। ये कह रहे कि अगर आपको एयर में से एक ही गैस निकालनी है तो बाकी गैसों को अलग करना होगा, उसको बहिष्कार करना होगा, उसका बायकॉट करना होगा। देयर इज कंप्रेस्ड इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल्ड बाई डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ये कह रहे कि पहले तो क्या होता है कि जो गैस है उसको क्या है, प्रेशर लगा के उसको क्या है, कंप्रेस किया जा सकता है, क्या करते हैं ताकि वो लिक्विड में बदल पाए। फिर बाद में लिक्विड को क्या है, उसको वार्म किया जाता है ताकि उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो पाए। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसको डिफरेंट हाइट पे जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक किया जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर वेरीज करके देखते हैं, हाइट मतलब टेम्परेचर वेरीज। तो कह रहे उसके बाद अपने को शायद वो मिल जाती है। ये आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तो आपको आती होंगे, तो बहुत ईजी है। ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इन्होंने शायद ये दे रखी है। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ये मैं आपकी अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें करेंगे। ये देखिए, अगर अब हमारा टॉपिक है एक्टिविटी 2.9, टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर, हाँ जी, 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश, डिजोल्व इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, इवेपोरेट द वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सो टू गेट सेचुरेटेड सोल्यूशन, कवर द सोल्यूशन विद द हेल्प विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो अभी हम आप पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी एक्टिविटी 2.9 का, कह रहे कि आपको क्या कॉपर सल्फेट के कई इम्प्योर्स आपको लेने हैं, मतलब कि उन इम्प्योर आपको सैंपल लेने हैं, और उसको क्या चाइना डिश के अंदर हीट करना है, और क्या है उसमें से आप देखोगे वाटर इवापोरेट हो रहा है, और उसको धीरे धीरे कूल होने देना है, जो इवापोरेट हो गया सब कुछ, बाद में वाटर तो इवापोरेट हो जाएगा, लास्ट के अंदर आपको मिलेगा सिर्फ चाइना डिश के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बिल्कुल प्योर। इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कि क्रिस्टल निकालना, उसको कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल द साल्ट वी गेट फ्रॉम द साल्ट वाटर वी हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन इट, टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज द प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन इज यूज। ये कह रहे कि जैसे कि सॉल्ट अपने कॉमन सॉल्ट खाते हैं NaCl, तो कह रहे उसके अंदर भी बहुत इम्प्योरिटीज होती है, उसको भी अलग करने के लिए क्या है बहुत से मतलब कि तरह तरह के उसमें क्या किए जाते हैं, मतलब कि उसमें इस्तेमाल करके देखते हैं जो साइंटिस्ट हैं कि ये किस तरीके से अलग होगा। तो क्रिस्टलाइजेशन बहुत अच्छा मेथड है, उसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ को निकालना, उसमें जो समुद्र का पानी है उसको एवोपरेट कर देते हैं, बाकी NaCl रह जाता है। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस टू सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया क्रिस्टलाइजेशन क्या है, प्योर सॉलिड को निकालना क्रिस्टल की फॉर्म में सोल्यूशन से। क्रिस्टलाइजेशन इज टेक्निक बेटर देन द सिंपल इवापोरेशन टेक्निक। ये कह रहे हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इवापोरेशन से बहुत मतलब कि बहुत बेहतरीन टेक्निक है। सम सॉलिड्स डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ज
ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। ये कह रहे कि कई सॉलिड होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, और कई कह रहे कि लाइक शुगर है वो हीटिंग के अंदर चार्ज हो जाती है, वो पिघलने लग जाती है। कह रहे सम इम्प्योरिटीज़ में डिजोल्व इन टू द सोल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन। ये कह रहे कि कई इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती है फिल्ट्रेशन के बाद भी क्या डिजोल्व रहती है सोल्यूशन के अंदर, और कह रहे कि कई है इवेपोरेशन के बाद भी उसके अंदर रहती है। एप्लीकेशन किसकी? क्रिस्टलाइजेशन की, प्योरीफिकेशन ऑफ सॉल्ट डैट वी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सही बात है, ये तो वही है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ अलम पिटकरी फ्रॉम इम्प्योर फिटकरी। हाँ, ये कह रहे कि अलम जैसे फिटकरी यूज़ होती है बहुत ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, कह रहे कि फिटकरी के अंदर से क्या है जो सेपरेशन मतलब कि उसके क्रिस्टल को अलग किया जाता है, फिर उसको बाद में जोड़ा जाता है किसके अंदर से, बहुत इंप्योरिटीज़ के अंदर से। थस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबोव मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर वी गेट प्योर सब्सटेंसेस। ये क्या हो गया बस, ये देखिए कई बार तो दिक्कत आ जाती है मेरे पीसी के अंदर। हाँ जी सम हाँ जी कॉम्पोनेंट ऑफ ए मिक्सचर वी गेट ए प्योर सब्सटेंस विद द एडवांटेज इन द टेक्नोलॉजी। मैनी मोर मेथड टू सेपरेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन डिवाइस। ये कह रहे कि ऐसी कई प्योर सब्सटेंस को अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन से भी बेहतरीन टेक्निक मतलब कि साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाली है। तो कह रहे हैं कि इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क्स। ए फ्लो डायग्राम फॉर द टिपिकल वाटर इज शोन वर्क्स इज शोन फ्रॉम दिस फिगर। राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस गेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू योर होम फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इन योर क्लास। ये कह रहे कि जैसे कि वाटर वर्क्स में से पानी आता है, तो कह रहे उसको अलग कैसे, उसके अंदर से मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह कैसे निकाली जाती है। ये देखिए मेरा वाटर बॉक्स रिजर्वर, हाँ जी रिजर्वायर। फिर क्या सेडिमेंटेशन टैंक। ये कह रहे हैं कि ये क्या करता है, सॉलिड के जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उसको नीचे बिठा देता है। फिर कह रहे हैं सेडिमेंटेशन सस्पेंड इम्प्योरिटीज़। ये कह रहे हैं कि जो वो सेडिमेंट आ जाती है उसके अंदर उसको क्या है वो निकाल देता है, लोड कर देता है सारी चीज़ों को। आगे है फिल्ट्रेशन टैंक, फिल्टर होता है सारा पानी, उसके अंदर से पत्थर के छोटे छोटे भी पार्टिकल निकल जाते हैं, मिट्टी निकल जाती है, सैंड वगैरह सब निकल जाती हैं। उसके बाद आया क्लोरीनेशन टू किल बैक्टीरिया। हाँ जी क्लोरीनेशन की प्रोसेस की जाती है ताकि उसको बैक्टीरिया जो पानी के अंदर मिक्स हो चुके हैं उसको किल किया जा सके। फिर बाद के अंदर आपकी घर की टूटी के अंदर पानी आता है उस जो कि आप बाद में फिल्टर करते हो, तो इससे बढ़िया वो जो पानी आता है उसके अंदर मिनरल्स वगैरह बहुत होते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते प्रोजेक्ट हैं तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं। तो मतलब कि फिल्टर वाटर आप देखो कि पहले इतने मिनरल्स अलग होके आ रहे हैं, तो आप फिल्टर वाटर पियोगे तो बहुत ही मिनरल्स अलग होके आएंगे, तो उससे क्या होगा आपकी मतलब कि बॉडी ग्रोथ बहुत कम हो पाएगी, एचजीएच हार्मोन आपको बहुत कम मिलेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल हम अपने जो पार्ट 9 है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक्स गाइज।